सिम्बा तू क्यों ले आ रहा है उनका कहो। सिम्बा वो खेल रहे हैं ना बच्चे, जाके वो बैडमिंटन खेल रहे हैं बच्चे, उनका जाके वो बैडमिंटन कॉर्क जाके लेके आ जा रहा है। देखो 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 फिर से लेके ए, ए, बच्चे खेल रहे हैं, कितना बदमाश है। चलो गिव मी नाउ, ओए सिम्बा प्लीज गिव गिव बच्चे। देखो 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 नो नो तो बैडमिंटन खेलना है क्या तुझे? थैंक यू आंटी। गया गया फिर तेरे पीछे गया। ईशान यू क्लोज द डोर, आई विल नॉट अलाउ यू टू प्ले। बदमाश, ये तो बच्चे खेल रहे हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं ना, तुझे नहीं खिला रहे हैं। हाँ संग्राम मामू आ गया, ओल्ड मामू। क्रोकोडाइल बोल रहे, क्रोकोडाइल कहाँ जाना है? संग्राम आया हुआ है दुबई फुजेरा से, तो उसने बोला डिनर पे कहीं चलते हैं। हमारा घर पे खाना बना हुआ था, मगर चलो मिलना नहीं हुआ था बहुत दिनों से, मगर चलो चलते हैं। तो आए हैं, माया आ रही है होटल से, हम लोग आ गए हैं। भूख लगी है, 10 बज गए ऑलरेडी, तो भूख लग रहा है। हम लोग आके ऑर्डर करेंगे, तब तक माया आ जाएगी। ये मस्त यहाँ पे इसमें बच्चों के लिए पर्स छपा है, ये अपना करके हमारा ले चुके हैं। इनको इस टाइप का पेपर मिल जाए ना, सिर्फ कुछ काम करने के लिए, वैसे एडिशन छोटा छोटा ये जो क्रॉस वर्ड्स होता है उनको बहुत पसंद है। तो फ्लाइट के लिए भी मैं ऐसा कुछ ले जाती हूँ, तो आराम से वो अपना करते रहते हैं। बच्चे तो तेरे इंटेलिजेंट है, बात नहीं। इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा किया है दोनों ने, इसलिए अरबिक पे तूने सेट कर दिया। हाँ, अरबिक का थोड़ा सा बस सीन आया गया, क्योंकि अरबिक उनको ना, उनको पता है ना, उनकी माँ को पता है। बाकी सब में A+ लेके आए, बहुत अच्छा किया है। इतने ऑनेस्ट हैं, अगर आप इसे पूछोगे उनको पता है उनका सारा रिजल्ट A+ है, बहुत बढ़िया है। बट उसके बाद में बताएंगे, बट अरबिक वो सी, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं थोड़े छुपा देते हैं, लेकिन वो हर चीज़ बताते हैं। तो दैट इज वेरी ऑनेस्टी ऑफ एनिमल, द बेस्ट पार्ट। हेलो माया से, माया देवी। हेलो, फिर लोग बोलेंगे अर्चना के ब्लॉग में अच्छा बात करती है, संग्राम के ब्लॉग में बात ही नहीं करती। संग्राम उदास रहता है, बात कैसे करेगी? तो हम लोग अचानक से प्लान बना, हम लोग आ रहे हैं, आए हैं डिनर करने साथ में। क्या गया? पापड़ फिनिश, खाई दे, वेरी गुड। हनी बनी का हमने अलग बैठा दिया। व्हाट यू वांट टू ईट? कौन खाइबू? रोटी भिंडी अचार, इंडिया के ढाबे में खा के आए हैं रोटी भिंडी अचार, उनको वही चाहिए। अभी रोटी और दाल मखनी मंगवाया तो बोल रहे भिंडी का। कौन कौन खाऊ चुका है? बनी कौन मंगाई चु? देखो क्या ऑर्डर किया आपने? रबड़ी, कितने रबड़ी, कितने रबड़ी चाहिए? दो। क्यों रबड़ी दो चाहिए? खाई भी। खाए वो? खाई भी। पता नहीं क्यों आज बोल देखती रहती क्रोकोडाइल बोल रहे। देखो तू ना रबड़ी खाइबू ना, सिर्फ लेम्बू कहीं खाऊ छू। हाँ
कमु खाई भी डुगु डुगु ए डुगु बनी रोटी केम दिखाओ थुलु रोटी हाउ यू आर ईटिंग रोटी हां लाइक गाय काओ कितना खा रहे थे बोले मु गाय आई एम वाचिंग ग्लैडी टिकी इन हिंदी हां दे सेड व्हेन दे वर सर्चिंग फॉर काओ दे वर सेइंग गाय 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 नॉट गाय गाय इज ओडिया हिंदी इज गाय सो योर रबड़ी गेम रबड़ी रबड़ी सो थैंक यू टू अंकल एक रबड़ी उधर रख ठीक है फिर नहीं फिर नहीं Hey, what is this? What is this on your head? What is this on your head? Hey, Sunny Deol, Jeet movie ke? Ash. अभी सोएंगे हम नहीं नहीं सोना क्या करना है खेलेंगे क्या खेलेंगे किचन से दिन भर तो किचन से ही खेल रहे हो खाना बना रहे नहीं क्या नहीं सो गाइस आप लोग में से कुछ लोग बोलते हैं ना कि हनी बनी से हिंदी में बात नहीं करते उड़िया में उनको हिंदी भी अच्छे से आता है उड़िया भी अच्छे से आता है दोनों लैंग्वेज वो प्रॉपरली समझते हैं बट हाँ बोलते कम है बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको आता है जब वो इंडिया जाते हैं उनको दादा दादी नानी अपने नानी से आई से ओडिया में बात करते हैं जिससे हिंदी में बात करना हिंदी में बात करते हैं यहाँ पे उनका फ्रेंड सर्कल पूरा इंग्लिश में बात करता है तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको तीनों लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है हाँ अरबिक भी सही है देखा अरबिक भी अच्छे से आता है तो फ्रेंच अभी अभी क्या करेंगे सिखाएंगे अभी ग्रेड थ्री में फ्रेंच भी सीखेंगे तो दे ऑलरेडी नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस फोर हिंदी इंग्लिश ओडिया अरबिक फोर लैंग्वेजेस यू ऑलरेडी नो नाउ यू विल लर्न नो नाउ व्हाट लैंग्वेज यू विल लर्न नाउ फ्रेंच यस तो पांच लैंग्वेज हो जाएगा है ना वेरी गुड देन वी लर्न ओडिया ओडिया तो यू नो नो कमो कौन कौन खाइबी कहलु चाय से ज्यादा केटली गरम है बच्चे ज्यादा मां किछु खाइनु एबे कौन खाई के आसिलु रोटी आउ साइमन हम साइमन साइमन व्हाट इज साइमन फिश हम ओ सामन सामन फिश सामन यू हैड चिकन चिंगुडी चिंगुडी का तोड़ खाइलु तो तो चिकन खाइलु ओडिसा याद आ रहा है ना चलो 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 चेंज योर नाइट ड्रेस एंड स्लीप फटाफट फटाफट चलो अचानक से प्लान बन गया संग्राम ने अचानक से फोन किया कि मैं आया हूँ दुबई चलते हैं डिनर पे और मेरे अरे मैंने खाना बनाया था किचन में रखा हुआ है उसको फ्रिज में डालना पड़ेगा कल के लिए सारा यहाँ पे मैंने आलू भाजी बनाया था दाल और राइस आज वेज डे था तो हम लोगों ने और रेस्टोरेंट जाके भी हमने दाल मखनी रोटी वगैरह खाया संग्राम और हनी बनी ने बस नॉन वेज खाया बाकी सब ने वेज ही खाया है तो इसको मैं अभी रख देती हूँ फ्रिज में कल हमारा लंच ही हो जाएगा फिर गुड मॉर्निंग गाइस ये हो गया है नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है यहाँ पे मैं हनी बनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो सोचा ये जो सैंडविच मेकर लेके आई हूँ नया वाला तो ये ट्राई करती हूँ कि ये कैसा क्या है तो अच्छा है काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से ये सेट हो जाता है मेरे पास ऑलरेडी एक सैंडविच मेकर था बट वो थोड़ा सा छोटे साइज़ का था मतलब इस टाइप का जो है इलेक्ट्रिक वाला नहीं ये वाला तो छोटा साइज़ का था बट ये परफेक्ट हो रहा है मतलब ब्रेड के साइज़ के हिसाब से एंड ये आई थिंक उसके दो तीन दिन के बाद का क्लिप है हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं सुनीता पार्थो भैया के घर पे उन्होंने इनवाइट किया है डिनर पे एक्चुअली तन्मय के पेरेंट्स आए हुए हैं तो सब लोग उनको जैसे कोई आता है इंडिया से तो घर पे इनवाइट करते हैं डिनर वगैरह पे तो उन्होंने वैसे ही इनवाइट किया क्योंकि सुनीता उसके बाद चली जाएगी इंडिया जब तक वो वापस आएगी तो अंकल आंटी भी चले गए होंगे इंडिया तो इसलिए उस आज सबको इन्वाइट किया है घर पे डिनर पे है?
टिन्नी अभी परसों चली जाएगी इंडिया, जब वापस आएगी एक महीने के बाद बड़ी हो गई होगी। उसके अन्न प्रसन्न के लिए जा रही है, और बंगालीज में अन्न प्रसन्न बहुत बड़ा मतलब फेस्टिवल होता है। शी इज गोइंग फ्राइडे, या फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग इंडिया, फर्स्ट फ्लाइट टिन्नी'स फर्स्ट फ्लाइट टू इंडिया। व्हाट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट। व्हिच फ्लाइट? यंगेस्ट मेंबर इन द फ्लाइट है, यंगेस्ट मेंबर, और पहली बार जा रही है नानी हाउस, दादू हाउस। अन्न पसंद होगा, कितने सारे फंक्शन होंगे, साड़ी पहनेगी टिन्नू, उसके लिए डिजाइनर साड़ी बना है अन्न पसंद में पहनने के लिए, डिजाइनर साड़ी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे, मेरा योगा भी हो गया है, जीत चले गए ऑफिस, हनी बनी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बस अभी थोड़ा सा खेल के, वो उनके अरेबिक टीचर आ जाएंगे, सुबह अरेबिक टीचर आते हैं, शाम को वो जाते हैं अपने नॉर्मल जो रेगुलर टीचर ट्यूशन जो जाते थे वहाँ पे जाते हैं। अभी बच्चे 15-20 दिन कुछ भी पढ़ाई ना करें पूरा ब्लैंक हो जाता है, तो वही थोड़ा सा रिविजन कराएंगे उनके लास्ट ईयर का, प्लस आगे थोड़े से एडवांस रखने के लिए थोड़ा बहुत कुछ प्रैक्टिस है वो करेंगे। एंड कल टिनी से भी मिल के आ गए, कल हम लोग जाएंगे उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए, बट कल सब सबको उन्होंने मतलब अंकल आंटी को उन्होंने बुलाया था, तो सबको बुलाया था तो मिलना भी हो गया। एंड वो पहली बार इंडिया ट्रैवल कर, इनफैक्ट उसका फर्स्ट फ्लाइट है, वो पहली बार जा रही है। एक्चुअली बंगालीज में एक बहुत बड़ा रिचुअल होता है अन्न प्रसन्न का, उसका 6 मंथ कंप्लीट हो गए, उसके बाद अन्न प्रसन्न का रिचुअल होता है जिसमें वो खीर चटाया जाता है, राइस का खीर, जो अन्न वो पहली बार चटती है उसके बाद उसका सॉलिड जो है वो स्टार्ट होता है। तो उसी फंक्शन के लिए वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पहले से थोड़ा सा जा रहे हैं ताकि वो सारा फंक्शन वगैरह अरेंज करेंगे, वहाँ पे फंक्शन करके फिर वापस आएंगे। तो यहाँ पे भी दुबई में वो लोग एक फंक्शन करेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी हम पे दी गई है कि हम वेन्यू वगैरह कहाँ पे क्या करना है, कैटरिंग एंड डेकोरेशन वगैरह वो सब हमें देख के अभी फाइनल करना है, ताकि वो लोग आएंगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे भी फंक्शन करेंगे। तो बस वही है, छुट्टियाँ चल रही है तो सब लोग थोड़े थोड़े दिन के लिए, राहुल भैया लोग भी गए हैं 15 दिन के लिए, फिर ये लोग भी गए हैं 20-25 दिन के लिए, भाभी भी ट्रैवल करेगी, हम लोग भी होके आ गए, तो वही सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। एंड हाँ, इंडिया आने के बाद कुछ लोग है ना, इंडिया से आने के बाद कुछ लोग हैं बार बार मुझे बहुत ही खराब हुए मैं रूडली डोमिनेट होके बोल रहे हैं कि छुट्टियां चल रही तुम क्यों वापस आई, तुम्हें वहां पर रहना चाहिए था। तो सी यहां पे मैं किसी को कुछ जस्टिफाई नहीं करूंगी कि मैं क्यों आई, क्या रीज़न है क्या नहीं है, वो जस्टिफाई नहीं करूँगी, बस इतना बोलूँगी मेरी मर्जी, मेरा वेकेशन है, मैं कहाँ पे स्पेंड करना चाहती हूँ, मेरे बच्चों की कहाँ पे छुट्टियाँ मैं स्पेंड करना चाहती हूँ, वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत, मैंने कभी ब्लॉग में बताया नहीं, एक बार मैंने बस शेयर किया था वो डॉक्टर के पास गए थे हनी बनी, बट जब से वो गए थे पूरे 17-18 दिन सुबह शाम वो मेडिसिन खा रहे थे, पेट दर्द की मेडिसिन, लूज मोशन की मेडिसिन, उनको वॉमिट हो रहा था बार बार पूरा, मतलब उनकी तबीयत खराब थी। तो आने के बाद और कुछ भी नहीं है उनको, शायद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मतलब मोस्टली ऐसा होता है, एंड स्पेशली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो इधर उधर खा रहे थे हर जगह, तो आपको मतलब प्रॉपर हाइजीनिक नहीं मिल रहेगा ना, पहाड़ों में कहाँ पे जो भी जो मिला वो सब खा रहे थे, तो उसकी वजह से हो सकता है, हमारी तो आदत है उनकी आदत नहीं है, तो उनका पेट दर्द पूरा ट्रिप वो लोग मेडिसिन में ही थे।
बाकी सिम्बा बेबो भी यहाँ पे है, मैं उधर रह के वेकेशन मनाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि भाई भाभी अपना घर छोड़ के आके इधर मेरे पेट्स का ध्यान रहे। पहले होता था जब शादी के 2-3 साल तक मैं भी जाती थी, एक एक महीना रहती थी अपने मायके में, ससुराल में। मैं ससुराल में तो पूरा रही थी, उधर मायके में रह के आती थी। बट अब जब यहाँ पे आके सेटल हो गया, अपना घर है, बच्चे हैं, फैमिली है, पेट्स है, आपकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड सबसे बड़ी बात आप अपने घर में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। मेरा बेड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरा किचन, मेरा घर मुझे बहुत कंफर्टेबल। मैं अपने मर्जी की मालिक हूँ यहाँ पे, मैं कुछ भी करूँ, क्या भी कुछ भी करूँ, मुझे कोई वो नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये यहाँ फील होता है। तो ऑब्वियसली मैं अपना वेकेशन में जहाँ पे कंफर्टेबल हूँ वहाँ पे स्पेंड करूँगी। और शायद पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी नहीं होती, शायद क्या, हम लोग बिल्कुल भी इंडिया ट्रैवल, पूरा वेकेशन हम लोग ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि हमारी वो सिचुएशन ही नहीं थी ट्रैवल करने की। पापा मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी थी, वो भी 50th, जो कि लाइफ में, मतलब बहुत लोगों के लाइफ में ये नहीं आता है स्पेशल डे, तो इसलिए हम लोग ट्रैवल किए थे। उनका जैसे जो करना है था, हमने जो सोचा था वो किया, बद्रीनाथ धाम दर्शन करा, अयोध्या, मम्मी को बुला लिया क्योंकि मैं तो उड़ीसा जाने वाली नहीं थी, तो मम्मी का धाम भी दर्शन हो जाएगा, प्लस वो बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेगी। तो पूरी फैमिली हम लोग 17-18 दिन पूरे साथ में, ट्रैवलर में, कहीं पर भी जाए, जो भी हुआ, सब कुछ हमने जैसा सोचा था वैसे किया। बट वो क्या सिचुएशन में क्या क्या नहीं, वो हमें ही पता है, ऊपर वाले को पता है। मैं यहाँ पे किसी को बोलना नहीं चाहूँगी, बट कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है आजकल ना, नॉर्मल ब्लॉग्स देखना पसंद नहीं करते, उनको बस मसाला चाहिए कि इसके घर में क्या हुआ, उसने उसको हक क्यों नहीं किया, वो किसने किया, इसके साथ में उसका बॉन्ड अच्छा है, उसके साथ में ऐसा क्यों नहीं है, वही सब जानने में इंटरेस्ट है। तो वो सब यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको वही सब देखना है तो प्लीज आप कहीं और जा सकते हैं जो यहाँ पे वो सब मिल रहा है, यहाँ पे वो सब आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं अपना सिंपल ब्लॉग दिखाती हूँ कि हाँ यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं। पर्सनल चीज़ें पर्सनल होती है, फैमिली की बातें फैमिली में रहे, वो बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, सोशल मीडिया पे जो दिखाना चाहिए वही मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये रेसिपी शेयर किया कि वो खरीदा, वो किया, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो बस यही है। बट हाँ, कुछ लोग नहीं समझते, अभी भी बोलेंगे, जिनको जो बोलना होगा बोलेंगे, बस आपका ये काम है एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, सुनते नहीं। चलिए गाइस, ये ब्लॉग आई थिंक 2-4 दिन से चल रहा है। एक्चुअली इंडिया से आने के बाद मैंने कुछ प्रॉपर ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि इंडिया के ब्लॉग्स ऑलरेडी लेट चल रहे थे। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेके 4-5 दिन का एक करके एक ब्लॉग पोस्ट कर देती हूँ, ताकि मैं फिर से अपने रूटीन में आ जाऊँगी। हाँ, आज ब्लॉग बनाया और कल पोस्ट किया। तो बस यही है। चलिए गाइस, मिलती हूँ फिर आपसे मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस।